साथ बड़ी खबर राजधानी रायपुर से सामने आ रही है, जहां पे खुलेआम गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रायपुर निवासी एक युवक को अपने मामा के घर जाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला शहर के सड्डू कॉलोनी इलाके के चांदनी चौक का है, जहां पर 4 से 5 अज्ञात कार सवार बदमाशों ने युवक को पकड़कर रात भर पीटा। तो वही बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक को रेप के अपराध कबूल करने के लिए बार बार पीट रहे थे। फिलहाल मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि परमेश्वर धीवर डाकतार विभाग ने डेली वेजेस पर प्यून के पद पर पदस्थ हैं। तो वहीं 2 दिन पहले देर रात परमेश्वर ने अपने मामा के घर गया हुआ था। इस दौरान घर के सामने कार रुकने की आवाज पर दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन कार में आए बदमाश किसी और फिराक में ही थे। आरोपी परमेश्वर को पकड़कर पीटने लगे और कार में बैठा लिए। आरोपी परमेश्वर को रात भर कार में बैठाकर पीटते रहे और किसी युवती के साथ रेप करने के लिए स्वीकार करने की जिद करते हुए पीटने लगे। आपको बता दें कि यह जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और इस दौरान शातिर बदमाशों ने पीड़ित परमेश्वर को चाकू से कई बार वार भी किए। तो वही सुबह होने पर मोहल्ले के पास कार से ही फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक शातिर बदमाश किसी दूसरे युवक को ढूंढने आए थे, जिसके चपेट में वह खुद आ गया।